नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा फार्मेसी के जो कॉलेज हैं वहाँ पर आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो इसके बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आर्टिकल को देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली आपको सभी अपडेट्स तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ये नोटिस देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन पढ़ाई आज से। तो इसमें लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई 20 मई से शुरू होने जा रही है। और इसमें लिखा हुआ है निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। कोरोना को देखते हुए प्रदेश भर के राजकीय अनुदानित और स्ववित्त पोषित पॉलिटेक्निक संस्थानों में 20 मई तक ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगा दी गई थी। और इसमें आगे लिखा हुआ है निदेशक प्राविधिक शिक्षा के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान डिजिटल लाइब्रेरी, NPTEL और यूराइज पोर्टल पर अपलोड किए गए लेक्चर का अधिक से अधिक प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आपके कॉलेज से भी आपको मैसेज आ गया होगा, और इसके अलावा जिन भी कॉलेजों से अभी तक मैसेज नहीं आया है वो कॉलेजों से आज शाम तक जो स्टूडेंट हैं उस कॉलेज के उनके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी पढ़ाई ऑनलाइन इस तरह से करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लास्ट ईयर मेरा डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर था, तो उस समय मेरी ऑनलाइन पढ़ाई जो थी वो गूगल क्लासरूम पे करवाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है, सर जो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसका अटेंडेंस भी लिया जाता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, उस समय गूगल क्लासरूम पे हम लोग का अटेंडेंस भी होता था। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो जय हिंद दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।